रंग रंगीलो मारो राजस्थान, जहाँ की मरुभूमि है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा सबसे ज़्यादा कम होती है और यहाँ पर बाजरा, गवार, तिल इत्यादि की फसल होती है। आइए गवार की फसल कैसे की जाती है, इसी का ही एक नमूना आपके सामने पेश है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज जैसा कि हम आपको गवार की फसल के बारे में बताते हैं कि गवार की फसल कौन से महीने में इसको उगाई जाती है, इसको कैसे जो गुड़ाई की जाती है और इसको कैसे इसका सही तरीके से रखरखाव किया जाता है, कौन सी दवाई डाली जाती है और कौन से महीने के अंदर इसकी कटिंग होती है और इसका क्या क्या उपयोग, इसके बारे में ये हमारे किसान परिवार के हैं, ये आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर, राम राम सर, सभा नहीं राम राम सर, बहुत बड़ी बात। आ कहीं, हाँ कैसा गवार है? गवार है, अच्छा। और क्या महीना में उगे? असाढ़ तो मतलब थाने छठा महीना, जून महीने उगाई दिया नहीं सर, जून जुलाई। मैंने एक बात बताओ, इन महीने इन उगाई फैला कहीं करियो, फैला तविया काटी कहीं करियो, इन महीने अच्छा तविया निकाली, अच्छा सबसे पहले कल्टी निकाली आपने, तविया निकाली, तविया के बाद में कल्टी और सवार की, उसके बाद में गवार बीजा, पानी पिलाया धरती ने, पहले गवार बीजने से पहले पानी पिलाया, अच्छा कितने दिन पहले पानी पिलाया? तीन चार दिन पहले पानी पिलायो, पानी पिलाए बाद में फसबाया, अच्छा 52 मास तक कहीं किको कहीं एक बीघर में कितो कहीं बीज या करें, कहीं सब की जानकारी आपने? एक बीघर में तीन किला बीज या करे। आ था दूरी कितनी कितनी कहीं रखो, इससे जगह है देखो हलपेरी रखो, अच्छा हलपेरे जो दूरी रखते हो, अच्छा बीजे जो 3 किलो करते हो, अच्छा ये कितने दिन बाद में उग जावे? और थाने 5-6 दिन बाद में उग जावे, बहुत बढ़िया बात है। 5-6 दिन बाद में उगे देना, वो बच्चे थे उन उगे बाद कितने दिन बाद पानी दिया करो? 15 दिन बस। 15 दिन के बाद में इसके अंदर उगने के 15 दिन बाद में पानी दिया जाता है। और जब इसकी पहली जो आप इसकी जो ये गुड़ाई करते हो कितने टाइम बाद में करते हो? 1 महीने बाद में इसकी गुड़ाई की जाती है। और इसको गुड़ाई करने के लिए इसको ये क्या कहते हैं इसको? कही, अच्छा ये कई मारवाड़ी में कई बोलते हैं, सूर्या भी बोलते हैं, जो मारवाड़ी के अंदर पूरा परिवार है और ये किसान आदमी किसान परिवार से है, जो ये इनको निकालने का काम करते हैं, गुड़ाई का काम करते हैं। ये इसको 1 महीना हो गया, ये 1 महीना, अच्छा ये गुड़ाई करने के कितने दिन बाद पानी देते हो इसके अंदर? 4-5 दिन बाद देगा। अब 4-5 दिन के बाद में इसके अंदर पानी दिया जाता, अच्छा गुड़ाई क्यों करो, कई कारण है? अच्छा एक तो गुड़ाई करने का मेन कारण है जो गाड होती है, जो खरपतवार होती है, जो घास होता है उसकी कटिंग हो जाती है, कटिंग होने के कारण ये जो गवार की फसल है बहुत अच्छी होती है। अच्छा पहली बात है पानी, एक इसको कितनी बार पानी देते हैं? बरसात नहीं होती है तो 4 बार इसको पानी दिया जाता है। विशेषकर इस गवार के अंदर पानी कम दिया जाता है ना, पानी इसके अंदर कम दिया जाता है, बाई चांस बरसात आ जाती है तो बरसात का पानी जाता है, नहीं होता तो इसका जो खेत में फुहारे के माध्यम से 4-5 बार इसको पानी दिया जाता है। अच्छा इसको एक गुड़ाई करने के बाद दूसरी गुड़ाई करते हो या नहीं करते हो? एक बार इसकी गुड़ाई होती है, गुड़ाई होने के बाद में तो इसकी बड़ी फसल कब तक आ जाती, कितने टाइम बाद में आ जाती इसकी फसल? 4 से लगाकर 5 महीने बाद इसकी फसल आ जाती। फसल आने में जो ये मेरे हिसाब से ये गवार की जो फली होती है उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। राजस्थान की एक मशहूर सब्जी है जो कातरा और गवार फली, जो ये देसी गवार फली होती है, गवार फली कौन सी देसी है? देसी, अच्छा देसी गवार फली है। अच्छा ये गवार फली का इसका क्या उपयोग होता है बाजार में? इसमें कई कई काम है, माल वापा बाजार में बेचा जाए, बिल्कुल। एक तो इसकी सब्जी होती है, एक इसकी कलम के रूप में होता है जो पशुओं को भी, गम भी होती है, इसकी गम भी होती है, गवार गम भी होती है। और ये बाजार में क्या भाव से बिकता है? ये 4,000 रुपए, 4,000 से लगाकर। और विशेषकर इसको जो पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं, पेट्रोल कुएं के अंदर जो इसको जो इसकी परत बनती है वो गवार गम की बनती है, विशेषकर खास करिए
विदेशों के अंदर भी इसका सपोर्ट होता है। और इसके अलावा जो ऐसा कहा जाता है जिस समय चोट आ जाती है, चोट के दर्द की उस गवार को इसको उबाल कर पट्टी की जाती है, उसके कारण ही इसका भी ये चोट जो दर्द कम हो जाता है। और इसका क्या क्या उपयोग है गवार गोली के रूप में? पशुओं के लिए चारा हो जाता है, इसको फलगट्टी बोलते हैं। और खास कर मैं आपको बता देता हूँ एक आपकी जानकारी के लिए कि जब इसकी कटिंग की जाती है तो इसकी जो दुर्मस होती है वो बहुत ही चुभती है। कटिंग करते समय इनकी कमी होती है, जो घास बहुत खाती है। ये गौर नहीं करता उसको, इस घास इस गौर फड़ी वाली में इसको डालने पर पता चलता है कि इसकी कटिंग कितनी मुश्किल से होती है। ये भी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और भी कोई जानकारी हो हमारे किसान भाइयों को बताओ, दूसरे को भी बताओ आप। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा गाँव है? ये कलऊ राजस्थान के अंदर है। कौन से जिले में? कलऊ ही है, जोधपुर। ये जोधपुर के अंदर आता है। बहुत अच्छी बात है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये ग्वार फली की जो सब्जी होती है, ग्वार फली जो फसल होती है बहुत ही लाभदायक है। ऐसे ही हम आपको फसल के बारे में नए नए वीडियो देखा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे से शेयर करें ताकि ग्वार फली की फसल के बारे में लोग जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी राम। इस प्रकार आज आपने ग्वारफली का किस प्रकार फसल की जाती है उसके बारे में सीखा। ऐसे ही कई प्रकार की फसलों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसा कि कैसे साफ सफाई की जाती है, जैसा कि ये ढेर पड़ा है जो कचरे के रूप में जैविक खाद तैयार करने के लिए इसको रख रखा है। इसे ही कई आजकल अंग्रेजी दवाई के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कचरे का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करें।